40 की स्पीड, 5 मिनट की। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है, इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुप चुप तरीके से कैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया,
लेकिन हर कोई यह जानता है। स्टॉप